आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमेशा अपने उल्टे सीधे कामों के चलते, हफ्ताखोरी के चलते चर्चाओं में रहने वाले अब्दुल गनी पटेल उर्फ गनी मचांड के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। हमने पहले भी कई बार हमारे चैनल पर इसकी हफ्ताखोरी की खबरें दिखाई हुई है। कई बार पुलिस कार्रवाई का शिकार भी हो चुका है ये, परंतु हफ्ताखोरी करने से बाज नहीं आता है ये। पिछला छोड़ो, बात इस बार की कर लेते हैं। शील रोड स्थित खान कंपाउंड में चल रहे एक जीपी बिल्डिंग को लेकर ये गनी मचांड बिल्डर को ब्लैकमेल कर रहा था, उनसे पैसों की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर उनके जीपी बिल्डिंग की फोटोज ट्विटर पर, फेसबुक पर पोस्ट करना, लिखित शिकायतें करना, कार्रवाई की धमकी देना, नुकसान करवा देगा, ऐसी धमकियां देकर फिरोज चौधरी उनके छोटे भाई से 75,000, 16,000, 80,000 ऐसे पैसों की मांग कर रहा था। गनी मचांड के साथ उसके छोटे भाई समत पटेल का भी नाम सामने आया है और एक इनका साथी है परवेज उर्फ पप्पू। ये तीनों फिरोज चौधरी का निर्माण अवैध होने के चलते अलग अलग तरीके से इन्हें ब्लैकमेल करते थे और इनसे पैसों की मांग करते थे, जिससे परेशान होकर फिरोज चौधरी ने पुलिस में जाकर इन लोगों की शिकायत दी। पुलिस ने हफ्ता वसूली की धारा 384, 85, 79 खंडनी मांगना लेना इन सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने से पहले पुलिस ने दो पंचों के साथ कौसा दोस्ती कंपाउंड के पास ट्रैप लगाकर गनी मचांड को यहां पर पैसा लेने के लिए बुलाया, परंतु गनी मचांड यहां पर नहीं पहुंचा। उसने अपने छोटे भाई समत पटेल को और अपने बेटे को यहां पर पैसा लेने भेजा। दोनों को पुलिस ने पैसा लेने के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ही कोरे कागजों के ऊपर नीचे 500 के नोट लगाकर मार्किंग करके ये पैसे फिरोज चौधरी को दिए थे और उसके भाई जहीरुल्लाह ने ये पैसे उन्हें दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल गनी मचांड और पप्पू उर्फ परवेज ये दोनों फरार है और गनी मचांड का भाई समत पटेल और गनी मचांड के बेटे को पुलिस ने थाने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। क्या मुद्दा है, क्या किस वजह से आपने पत्रकार? मैडम, पत्रकार परिषद का मुद्दा इसलिए उठाया कि गनी मचांड नाम का आदमी जो है ना, हमको बहुत दिन से परेशान कर रहा था, हमको तंग कर दिया, हमारा जीना हराम कर दिया। वो जो है हमको बार बार मोबाइल पर फोन करके, व्हाट्सएप कॉलिंग करके हमको धमकाता था कि हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। क्यों वो पैसा मांग रहा था आपसे? मांग रहा था, हम सर कारोबार कर रहे हैं। वो कहता है कि कारोबार कर रहे हो, हमसे पूछ के कर रहे हैं क्या कारोबार? कौन सा कारोबार? कारोबार हम कंस्ट्रक्शन लाइन के आदमी हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बोले हम डिपार्टमेंट से मिल करके हम कार्रवाई कराएंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा पूरा नुकसान करा देंगे और तुमको जो है ना मारेंगे भी। और आकर के साइड पर गाली गलौज भी करता था, हमारे भाई के साथ में भी गाली गलौज किया, हमारे भाई को भी धमकी दिया उसने, उसके भाई ने भी आया समत पटेल, वो भी धमकी दिया। तो ये लोग आकर के बार बार धमकी देते। मैडम, हम एकदम परेशान हो चुके थे। कौन है ये लोग, भाई कौन है दोनों? ये दोनों सगे भाई हैं और एक परवेज नाम, मेरे को जानता हूँ ज्यादा, परवेज नाम है एक का, परवेज पप्पू करके है। वो भी जो है ना आकर के मेरे से 80,000 रुपए का मांग कर रहा था। पहला बोला 75,000, फिर बाद बोलता 80,000 रुपया चाहिए मेरे को, नहीं तो तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर का। वो भी मगजमारी कर रहा था। मैडम, मैं परेशान होकर के मैं फिर जाकर के पुलिस स्टेशन में मैंने उनके खिलाफ जो है ना FIR दर्ज कराया और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हक का साथ दिया है और गलत तरीके, गलत काम करने वालों के साथ में से गंजा कसा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारा पूरा खुल के साथ दिया है। कुल मिलाकर कितने लोगों पर FIR बनाई गई? 4 लोगों पर FIR बनाई गई है, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग कौन कौन दो बताइए। एक गनी मचांड जो है ना वो भागा हुआ है और पप्पू दाढ़ी वो भागा हुआ है और दूसरा एक समत पटेल, उसको गिरफ्तार किए और उसके बेटे को भी गिरफ्तार किए। पैसे का जो डिमांड किया आपसे, तो क्या प्रूफ है कि आपसे पैसा लिया है? पैसा लेते हुए पकड़ा गया भाई, पैसा दे रहा मेरा भाई जो है ना, दोस्ती के पास पैसा दिया उसको और उसको डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया। डिपार्टमेंट वाले में कौन था? अपने डिपार्टमेंट वालों में अब वो नाम मेरे को ध्यान में नहीं। 80,000 रुपया मांगा था, डिपार्टमेंट किया था वो। तो आपने 4 लोगों को
मतलब अभियुक्त बनाया है, आरोपी चार लोग हैं इसमें, तो सब ने 80,000 रुपए मांगे थे कि एक ने मांगा, एक 75,000 मांगा, एक 80,000 मांगा और एक मांगा था समित पटेल जो है ना वो 16,000 मांगा था। तो 75,000 कौन मांग रहा था? 75,000 पप्पू मांग रहा था, परवेज पप्पू। अच्छा, पप्पू खबरी। हाँ, वो अहमद भाई के थ्रू हमको मैसेज भी करवाया कि उसको बोल दो मेरा मुझको पैसा दे देवे, नहीं तो फिर मैं उसको देख लूंगा, फिर उसको जो है ना बहुत तकलीफ दूंगा। मगर पुलिस जब पकड़ने गई है या रेड हैंड, तो पप्पू तो वहाँ पर नहीं नजर आया। वहाँ पर नहीं आया, पप्पू आया ही नहीं वहाँ पे, ना पप्पू आया और ना गनी मचान आया। गनी मचान ने अपने भाई को भेजा और अपने लड़के को भेजा। तो लड़का कितने साल का होगा? वो मुझे मालूम नहीं मैडम, 18-19 साल का है लड़का। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जीपी, तो आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी उन लोगों ने किया था? किस आधार पे आपने कंप्लेन मतलब ये एफआईआर किया है? आपके खिलाफ कंप्लेन वगैरह भी, ट्वीट वगैरह भी किया था ऊपर कार्रवाई के लिए? ट्वीट किया था। अच्छा, और उस पर कार्रवाई करने के लिए मांग की थी और मुझको वो ट्वीट दिखा मेरे व्हाट्सएप पर भी उसने अपना वो ट्वीट भेजा और उसने ये कहा कि ट्वीट तेरे को इसलिए कर रहा हूं कि ताकि तू मुझको पैसा दे और नहीं देगा तो तेरा जड़ते उखड़ा दूंगा और सारे डिपार्टमेंट मेरे पहचान वाले हैं। उसमें उसने डीपी पे पुलिस डिपार्टमेंट का भी फोटो रखा है। वो डरा करके धमका करके हमसे पैसे का मांग करता था। आखिर किस बिना पे वो लोग आपसे पैसा मांग रहे थे, क्या बोल करके? जबरदस्ती बोल करके बोले अगर तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारे कारोबार के हम करने नहीं देंगे, तुम्हारा कारोबार हम बंद करवा देंगे, हम तुम्हारा बात कारोबार चलने नहीं देंगे किसी भी हाल में, हमको पैसा चाहिए। ये बताया जा रहा है कि मतलब आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आप खुदकशी जैसा जैसा कदम उठाने को तैयार हो गए? एकदम परेशान हो गया था, इसलिए मैं पूरी मजबूरी के साथ के तहत मैं डायगढ़ पुलिस स्टेशन में पहुंचा हूं। मैं एकदम जीना हराम कर दिए थे लोग मुझको, मेरा रात का सोना हराम हो गया था। कब से परेशान कर रहे? ये कई दिन से परेशान कर रहे थे। मेरे भाई को भी गाली गलौज जाकर के साइड पर, वहाँ मेरे भाई को भी धमकी दे रहे हैं। मारा लल्ला भाई है वहाँ संभालता है साइड, वहाँ उसको धमकी दे रहे, बोले किधर है तू, पैसा देगा कि नहीं देगा। अब मेरा भाई परेशान, वो उसको बार बार फोन कर रहे हैं, उसको पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग एकदम परेशान हो चुके थे। हम लोग परेशान होकर के फिर हमने कानून का सहारा लिया। अगर आपको हैरेसमेंट हो रहा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारे ऊपर कुछ हैरेसमेंट होता उसके जिम्मेदार चार जन होंगे। कौन कौन? ये गनी मचान, समद पटेल और पप्पू राजू।